हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। देखिए, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, चैप्टर के नाम है मटेरियल कंट्रोल एंड वैल्यूएशन, जिसमें टॉपिक है ईओक्यू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो लास्ट क्लास में हम लोग इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या है इस पर बहुत सारे सम हम लोग कर चुके हैं, थ्योरी के इसका थ्योरेटिकल पोर्शन भी हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रीऑर्डर पॉइंट का कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा। तो रीऑर्डर पॉइंट और इकोनॉमिक ऑर्डर दोनों एक बार निकालना है। तो पहले मैं रीऑर्डर पॉइंट का मैं फार्मूला बता दे रहा हूँ। रीऑर्डर पॉइंट इज इक्वल टू होती है लीड टाइम इनटू डेली यूजेज प्लस सेफ्टी स्टॉक, ठीक ना। लीड टाइम इनटू डेली यूजेज प्लस सेफ्टी स्टॉक, ठीक ना। तो मैं एक क्वेश्चन को सबसे पहले आप लोग को यहाँ फोटो सेंड कर रहा हूँ, ताकि आप लोग क्वेश्चन को देखेंगे, रीड करेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 है, इसको आप लोग देखेंगे। पहले फोटो ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। देखिए, इस क्वेश्चन में कहता है ये क्वेश्चन कोई दूसरा आ गया शायद, ये क्वेश्चन मैं फिर से सेंड कर रहा हूँ। 9 नंबर क्वेश्चन या 10 नंबर ही चला गया, तो वही मैं पहले क्वेश्चन सॉल्व करवा दे रहा हूँ, ये तो फिर टाइम लगेगा। यहाँ निकालना क्या था, सेफ्टी स्टॉक इतना डेज, कंजम्पशन नॉर्मली टाइम इतना डेज है, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट है, ऑर्डरिंग कॉस्ट है, ईओक्यू निकालना है, ठीक ना। सबसे पहले कहता हाउ मच शुड बी ऑर्डर ईच टाइम, इस टाइम बोला था ईओक्यू निकालना है, उसका रीऑर्डर लेवल निकालना है, सेफ्टी स्टॉक, नॉर्मल लीड टाइम और कंजम्पशन निकालना है, ठीक ना। थर्टी का है सेफ्टी स्टॉक 30 डेज कंजम्पशन, सेफ्टी स्टॉक इस क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, तो सेफ्टी स्टॉक हम लोग को निकालना भी है, ठीक ना। तो सबसे पहले देखेंगे, कहता हाउ मच शुड बी ऑर्डर ईच टाइम, मतलब कि मुझे एक बार में कितना ऑर्डर करनी चाहिए, मतलब ईओक्यू पूछ रहा है। तो सबसे पहले मैं निकालूँगा, ये क्वेश्चन नंबर 12 है, ईओक्यू इज इक्वल टू 2, ए का वैल्यूज देखेंगे कितना दिया हुआ है, एनुअल कंजम्पशन 12,000 यूनिट्स है और गुने ऑर्डरिंग कॉस्ट, क्वेश्चन में आपको दिया है ऑर्डरिंग कॉस्ट 12 पर ऑर्डर है, 12 बाय कैरिंग कॉस्ट आपको दिया हुआ है 24%, कॉस्ट पर यूनिट आपको दिया है 1 का 24% जब हम लोग निकालेंगे तो ये कितना आएगा 0.24। तो इसको कैलकुलेशन करेंगे कितना होगा, देखिए कैलकुलेट करके। तो कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे, तो 12 दुना 24, इसको कैलकुलेशन कीजिए कितना हो रही है। मैं थोड़ा कैलकुलेट कर रहा हूँ एक बार, इस टोटल को कैलकुलेशन करने के बाद आ रही है 10,095 यूनिट्स, ठीक ना, 10,095 यूनिट्स। दस से पंचानवे यूनिट्स है, ठीक है, ये हो गया।
12। अब मुझे निकालनी क्या है वो देखिए ज़रा। When should order be placed? मतलब कि order कब करनी चाहिए। तो मुझे निकालना क्या है, When should be, what should be the ideal inventory level immediately before the material order to received? ठीक ना, यानी कि reorder level मुझे निकालनी है, और तो कुछ है नहीं निकालना। तो देखिए रीऑर्डर लेवल निकलेगा कैसे, यहाँ से देखिए फॉर्मूला है री ऑर्डर, रीऑर्डर लेवल मतलब ये है लीड टाइम, ठीक है, और इनटू डेली यूजेज। तो लीड टाइम आपको दिया है सेफ्टी स्टॉक 30 डेज है, नॉर्मल लीड टाइम 15 डेज। तो 15 डेज इनटू डेली यूजेज, डेली यूजेज मुझे निकालना होगा। 12,000 यूनिट्स है, 12,000 यूनिट्स को मुझे डिवाइड करनी पड़ेगी, 360 है। तो 12,000 यूनिट बाय 360 ये हो गया, प्लस सेफ्टी स्टॉक, यहाँ सेफ्टी स्टॉक है नहीं तो 30 डेज कहता है, सेफ्टी स्टॉक 30 डेज कंजम्पशन के बेसिस पे है। तो मतलब मुझे निकालना पड़ेगा प्रत्येक डेज कंजम्पशन हो रही है मुझे 360 डेज इंटू 30, इससे क्या निकल गया आपको सेफ्टी स्टॉक। तो इसको कैलकुलेशन हम लोग करेंगे, तो कितना होगा कैलकुलेट करके देखिए, इसको शायद हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो आपको आएगा कितना रहा कैलकुलेशन करने के बाद, एक हज़ार इधर आ रहा है और इधर इधर आ रहा है आपको 500, इधर आ रही है 500 और इधर 1000 इज इक्वल टू 1500 यूनिट्स आंसर हो गया। सेफ्टी स्टॉक रीऑर्डर पॉइंट कैसे निकाला जाता, सेफ्टी स्टॉक कैसे निकाला जाता इसका भी हम लोग को नॉलेज हो गया। चूँकि सेफ्टी स्टॉक क्वेश्चन में गिवन नहीं होंगे तो हम लोग कैसे निकालेंगे, जो डेली कंजम्पशन है। तो डेली कंजम्पशन कैसे निकालेंगे हम लोग, तो डेली कंजम्पशन को कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, जो एनुअल डिमांड होता है उससे मैं डिवाइड कर दूंगा नंबर ऑफ डेज से। जैसे 12,000 यूनिट्स का मुझे रिक्वायरमेंट है एनुअली, और एनुअल में डेज कितना है 360, मतलब तो एक डेज का कंजम्पशन निकल गया। और सेफ्टी यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन रहेगा, यहाँ क्वेश्चन में लिख दिया है, क्वेश्चन में कहता है सेफ्टी स्टॉक 30 डेज कंजम्पशन, सेफ्टी स्टॉक 30 डेज कंजम्पशन का बेसिस पे है। तो 30 डेज से मैं मल्टीप्लाई कर दिया, एक दिन का कितना हुआ, और मुझे 30 डेज का निकाल देनी है सेफ्टी, एक दिन का जो आएगा यानी कि 50 आ रहा है, और 50 को मैं इसे ये कर दिया तो 5 दिया 50 नहीं आएगा, यानी कि शायद 20 के अप्रॉक्स जो भी आएगा, ठीक है, 3 3 9 जो भी आएगा यहाँ पर कैलकुलेशन करने का टोटल आपको ये वैल्यू जा रही है। तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, आप लोग समझ गए होंगे। आज की क्लास यहीं पर एंड हो रही है, फिर हम लोग नेक्स्ट टाइम में नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।